हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे थे, जिसमें 7.2 को देख रहे थे और वो भी आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसका 4 वीडियो अभी तक हमने लोड कर चुका है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, काफी मजा आने वाला है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है टाइप बताया जा रहा है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिया जा रहा है। तो आज हम लोग का जो अगला टाइप है वो ये है कि यदि होल पावर में आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, ठीक है, यदि प्रश्न होल पावर वाला हो और उसके आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए तो वैसे प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसी वीडियो में, इसके पीछे वाले दूसरे पीछे वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि यदि होल पावर वाला आ जाए, होल पावर वाला, ठीक है, यदि आपको होल पावर वाला आ जाए तो होल पावर वाला में आपको क्या करना है, होल पावर वाला में कि पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करके और मान पुनः उसी फंक्शन में आपको लौटा देना है, तो आसानी से इंटीग्रेशन आपका बन जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद उसको बनाने का तरीका दिखाएंगे, फिर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, जिस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा जब हम आपको तरीका सिखा देंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि ये स्क्वायर यहां लगा हुआ रहेगा तो सिर्फ ये इसके क्वनांक पर स्क्वायर होगा, ठीक ना, और यदि स्क्वायर आपका यहां लगा हुआ है यहां पर साइन के ऊपर तो समझिएगा कि ये होल पावर वाला है, यानी टोटल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरीके से होल पावर वाला आ जाए तो आपको ये देखना है कि पावर छोड़कर जो आधार में है उसको क्या करना है, आपको मान लेना है, ठीक है। तो पावर छोड़कर आधार में यहां कौन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, तो आपको मानना है साइन एक्स। लिखेंगे पुनः माना वाई बराबर साइन एक्स, और जब साइन एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। और फाइनली बात आपको ये बताए थे कि होल पावर वाला के आधार को तो मानना ही मानना है, लेकिन ये चेक भी कर लेना है कि आखिर उसका डिफरेंशिएशन करने से ये जो है आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल है कि आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा ना, तो मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। ये बातें हम आपको बता दिए, ठीक ना। तो चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस, यानी dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। और यदि यहां से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा में cos x, और आपको फाइनली अब इसमें मान लौटाना है तो लिखेंगे now, यानी अब i बराबर जो आपका मान है sin square x, तो इसको लिखेंगे sin square x इंटू, यहां देखिए क्या है, cos x इंटू dx, ठीक है, इसमें आपको मान लौटाना है। देखिए यहां पर साइन के जगह पर क्या मान है, y ना, तो यहां हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू, ये cos x है तो cos x को cos x ही रहने दीजिए, और dx के जगह पर ये मान लौटा लीजिए, dx के जगह पर क्या है, dy बटा में cos x, तो लिखेंगे dy बटा में आपका आ जाएगा cos x, ये cos x से आपका cos x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर इंटू dy, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देंगे तो पावर वाला का इंटीग्रेशन बन जाएगा, यानी हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 और प्लस c, तो 1/3, और ये हो जाएगा आपका क्या, y के पावर 3 ना, y किसको मानिए, साइन को, तो यहां हो जाएगा आपका साइन के पावर थ्री x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो याद रहे कि जब भी होल पावर वाला आ जाए और आपके आधार में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो आपको क्रिया वही करना है जो आप पहले होल पावर वाला में कर रहे थे, चाहे आपका यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, कोई भी फंक्शन आपका आ जाए होल पावर के रूप में रहेगा तो आपको वही करना है कि पावर छोड़कर जो उसके आधार में रहेगा टोटल को मान लेना है, मानकर उसका डिफरेंशिएशन करके dx का मान निकालना है, और dx का मान निकालने के बाद इन सारे मान को जो है इसमें आपको पुट कर देना है फिर से, ठीक है, जो कटने वाला होगा काट दीजिएगा, शेष जो बचेगा उसका आपको इंटीग्रेशन आसानी से कर लेना है, और इंटीग्रेशन करके पुनः y का मान लौटा दीजिएगा आप, तो y का मान जैसे ही लौटाइएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए तो इस पर हम आपको तीन चार क्वेश्चन अभी लिखाते हैं जो क्वेश्चन आपको करना है, फिर एक टाइप और अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन अभी हम आपको लिखा देते हैं, एक टाइप और इस पर करेंगे, इसके बाद जो है आप लोग को उस पर भी कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको घर से करके आना है। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपका HW बन गया है, क्वेश्चन कितना भी हम कम करने का प्रयास किए लेकिन इतना 10 क्वेश्चन आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदे होगा। ठीक है, तो ऐसे कीजिए ये 10 क्वेश्चन आप लोग जो है बना लीजिए, अगले कंसेप्ट को हम अगले दिन देखेंगे यानी अगले वीडियो में देखेंगे, आज का कंसेप्ट आपको यहीं पर छोड़ रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन आपका HW है, 10 क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बनाइए, प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं बन रहा है तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ऐसे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक ना, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और एक एक करके अलग अलग करके सॉल्यूशन आपको देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कल वाले वीडियो में देने वाले हैं आपको। आज पहले पूरा का पूरा आप क्वेश्चन को बनाइए और इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, यानी अगले टाइप को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।